वर्तमान युग में हिंदी भाषा की दिशा और दशा। केंद्रीय विद्यालय इफ्को गांधीधाम के प्राचार्य श्री मीना जी, सम्माननीय शिक्षकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और मेरी तरफ से आज हिंदी दिवस की ढेरों बधाइयाँ। हिंदी दिवस के निमित्त हम एक महीना मनाएं, पखवाड़ा मनाएं, एक सप्ताह मनाएं या एक दिन का ही आयोजन क्यों न करें, ये एक उत्सव ही है जो समस्त देश भर में समान दिन तथा तारीख पर मनाया जाता है। इसमें किसी ज्योतिषी का दखल नहीं होता कि भैया आप इस दिन को इस समय पर इस चौगड़िए में मनाएं। हम अपने देश में निहित अनेकों भाषाओं में से हर भारतीय द्वारा दिल से कबूल की गई राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर बड़े उत्साह से ये दिन मनाते हैं तथा खूब सारी स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं। सबको विदित है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान की राजभाषा समिति में अंततः हिंदी व तमिल के बीच चुनाव हुआ, जिसमें दोनों भाषाओं का को समान मत मिलने पर अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षीय मत का प्रयोग किया और फलस्वरूप हिंदी राजभाषा बन गई। शायद इसी द्वंद्व के कारण तमिल भाषी जल्दी हिंदी को अपना नहीं सके। 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा पद पर पीठासीन किया। सन 1963 हिंदी राजभाषा अधिनियम जारी हुआ, किंतु ताज्जुब यह है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 73 वर्ष हो गए हैं, किंतु आज भी हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए था। सिर्फ आंकड़े गिनने से कि कितने राज्यों में किस कक्षा तक हिंदी पढ़ाई जा रही है या कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है या विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, ये सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक कि भाषा का स्तर न सुधरे और उसका सम्मान न हो, उसके लिए संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग चाहे न हुआ हो, किंतु हिंदी हमारे दिलों में राष्ट्रभाषा का ही स्थान रखती है। आज मैं आपके सम्मुख मूलतः भारत में हिंदी भाषा की दशा और दिशा क्या है, इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगी। यह सर्वविदित है कि भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। हम अपने विचारों को, अपने तर्कों को, अपनी भावनाओं को भाषा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कह सकते हैं कि हमारे सारे कार्य, व्यापार और गतिविधियां भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। हिंदी वह भाषा है जो एक बहुभाषीय मुल्क की बड़े पैमाने पर बोली व समझी जाने वाली संपर्क भाषा है। आज के दौर में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में समस्त भारतीयों का हिंदी जानना देश प्रेम का लक्षण बन गया है। आज हिंदी अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को समेटती हुई अपने आधुनिक रूप में पहुंची है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी की इतनी मिलावट हो गई है कि हम समय को टाइम कहने लगे हैं। इस्तेमाल या उपयोग के स्थान पर यूज शब्द जबान पर चढ़ गया है। विज्ञापनों में तो इसका खूब प्रयोग हो रहा है। जैसे टाटा स्काई की एड में इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला कहने की जगह जिंदगी शब्द का प्रयोग कम रोचकता देता है। या हार्पिक की एड में देखें कि ये हार्पिक का ज़माना है, मारे वायरस और टॉयलेट को बनाए स्वच्छ। अब यहाँ कीटाणु व शौचालय या संडास का प्रयोग अजीब लगता है। देखा जाए तो हिंदी में अंग्रेजी के शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु जहाँ हिंदी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ तो हमें अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से बचना होगा कि नहीं।
जैसे इंटरनेट को अंतरजाल न कहें, पर खिलौने को तो हिंदी में खिलौना ही कहें तो अच्छा होगा। कई लोग ये मानते हैं कि भारत में अन्य मुल्कों के समान हिंदी में उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, किंतु यह संभव नहीं है। उसके लिए हमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी के स्तर और पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाना होगा। आज इस प्रतियोगिता के युग में अनेक भाषाओं का ज्ञान होना व्यक्ति के लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। अंग्रेजी विशेषकर महानगरों में पूरी तरह छाई हुई है। देखा जाए तो बातचीत में हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण हो रहा है। यह भाषा का गिरा नहीं बल्कि उठा हुआ स्तर ही बता रहा है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की शब्दावली से हिंदी का शब्द भंडार विशाल ही हुआ है। यह सच है कि उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और विदेश जाने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है, लेकिन साथ में हिंदी को हम इस हद तक महत्व प्रदान करें कि वह हम भारतीयों की पहचान बन जाए। इसके लिए हमें चाहिए कि न केवल हिंदी में बातचीत करें बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी अधिकतर हिंदी में कामकाज आरंभ करें तथा सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसका विकास होना आवश्यक है। साथ ही बचपन से ही बच्चों को हिंदी मातृभाषा के रूप में तो अंग्रेजी विदेशी भाषा के रूप में सिखानी चाहिए, तभी हमारे बच्चे दोनों भाषाओं के साथ न्याय कर पाएंगे। उन पर व्याकरण का, मुहावरों, कहावतों, विलोम या भाषा विज्ञान आदि का बोझ डालकर रटने की बुरी आदत डाल दी गई है। इसीलिए वे दसवीं के बाद ही हिंदी से हाय तौबा करने लग जाते हैं। बस इतना करना है कि किसी भी भाषा का परित्याग न करके शिक्षा के पाठ्यक्रम में मूलभूत हितकारी परिवर्तन करें, जहां बच्चे हिंदी को भी अंग्रेजी की तरह फर्राटे से पढ़ सकें, जिसे हिंदी की पुस्तकें और पत्रिकाएं भी बिकने लगेंगी और नए साहित्य का सृजन भी होने लगेगा तथा सरकार को नई शिक्षा पद्धति के आधार पर उसकी उपयोगिता पर बल देना होगा, तभी हिंदी को सराहा जाएगा। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें हिंदी के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा, हिंदी से प्रेम करना होगा, उसे सम्मान देना होगा, तभी हिंदी दिवस मात्र एक दिन का नहीं, हर दिन हिंदी दिवस होगा। धन्यवाद।